नमस्कार दोस्तों, एस जे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि लास्ट शुक्रवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मैंने जो लेवल दिए थे उसके हिसाब से उसने क्या किया। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी 70,670 के ऊपर जाएगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,720 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 70,780। तो उसका ओपनिंग ही हुआ है फाइव। फ्रेंड्स, निफ्टी का 5 मिनट की चार्ट में आप चेक करोगे तो उसका ओपनिंग दिख रहा है हमें 70,706 के ऊपर ओपनिंग हुआ है। यानी मैंने जो आपको टारगेट पहला दिया था 70,720 उसके पास उसने ओपनिंग किया और जैसे ओपन हुआ वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और मैंने यहाँ पे जो डाउन साइड का जो लेवल दिया था आपको 70,620 तो वहाँ पे सपोर्ट लगे तकरीबन यहाँ पे 11:55 तक। उसने ये एक रेंज में फंसा रहा जो मैंने आपको बोला था नो ट्रेडिंग जोन, यानी इस लेवल पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना होता है। वहाँ पे 11:55 कर घूमता रहा और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 11:55 पे उसने हमारा लेवल जो मैंने अपसाइड में दिया था आपको 70,670 वो ब्रेक किया और उसने पहला टारगेट हमारा अचीव कर दिया पहला 12:15 पे। और उसके बाद उसने यहाँ पे 12:15 से लेके 1:25 तक वो वहीं पे घूमता रहा और फिर से प्राइस एक्शन बनाता रहा और उसके बाद उसने वो लेवल ब्रेक किया और हमारा टारगेट अचीव कर लिया। फ्रेंड्स, 1:50 पे उसने हमारा टारगेट जो मैंने अपसाइड में आपको टारगेट दिया था 70,780 का वो उसने अचीव कर लिया और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 70,842। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो लेवल आपको प्रोवाइड फ्री में लेवल जो प्रोवाइड करता हूँ वो 90% सक्सेसफुल होता ही है इसमें। तो आप फ्री में ये लेवल आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं सोमवार को निफ्टी में क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, वन डे की कैंडल में हम चेक कर लेते हैं कि क्या सीनरियो बन रहा है। फ्रेंड्स, वन डे की कैंडल में अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये पूरा ग्रीन कैंडल बना है फ्रेंड्स, और सोमवार को वो क्या करेगा इसके लिए हम 50 मिनट का चार्ट देखते हैं एक बार फिर से। ओके, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया उसने, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो मैं इस लेवल को फिर से ड्रॉ करता हूँ कि मंडे को कौन सा रहेगा लेवल हमारा। उसका क्लोजिंग हुआ है 70,784 के पास उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। डाउन के साइड में बनेगा सिनेरो हमारा ये वाला और अप साइड में सिनेरो बनेगा हमारा 70,840। ओके, अगर सोमवार को फ्रेंड्स, सोमवार के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स। कौन सा वाला रहेगा नो ट्रेडिंग जोन हमारा रहेगा? ये वाला नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे रहेगा मार्केट तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अपसाइड या डाउन साइड में मैं आपको अभी जो लेवल बोल रहा हूँ वो ब्रेक करेगा तभी उसको आपको बाई या सेल, पुट बाई या कॉल बाई करना है। अपसाइड में लेवल आएगा पहला हमारा फ्रेंड्स 70,819 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 70,890 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 70,974। ओके, ये हो गया हमारा निफ्टी का, यानी 800 से लेके 900 तक, यानी 800 से 900 यानी 150 प्लस पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं मंडे के लिए। और डाउन के साइड में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 70,762 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 70,020 और दूसरा जाके डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 70,673। यानी 100 पॉइंट डाउन की साइड में और 200-150 पॉइंट के करीब रहेगा अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है हमारा निफ्टी के लिए। ओके, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स
फ्राइडे को ओपनिंग उसका हुआ है 37,642 के पास उसका ओपनिंग हुआ है। और मैंने आपको जो लेवल दिया था कि 37,620 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने अपसाइड में दिया था 37,730 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था उसका 37,845। लेकिन उसने जब ओपनिंग किया रात फ्राइडे को तो ओपनिंग करते ही वो डायरेक्ट नीचे आ गया जो हमने लेवल दिया था नो ट्रेडिंग जोन का। इसी रेंज में वो यहाँ तक घूमता रहा पूरा दिन और 12:15 पे उससे पहले भी हमारा फर्स्ट लेवल उसने अचीव किया है फ्रेंड्स। 10:10 में उसने पहला लेवल मैंने जो आपको दिया था 37,730 वो उसने अचीव किया है। उसके बाद अचीव करने के बाद वो नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने 12:15 पे उसने फिर से हमारा ये लेवल ब्रेक किया 37,620 और ब्रेक करने के बाद उसने हाई मारा 37,884 और मैंने जो आपको अपसाइड में लेवल दिया था सेकंड टारगेट 37,845 कौन सा वाला ये वाला तो उसने ये अचीव कर लिया फ्रेंड्स। कितने बजे अचीव किया उसने ये टारगेट अचीव किया फ्रेंड्स, उसने 2:10 पर उसने हमारा टारगेट सेकंड टारगेट अचीव कर लिया। तो आइए देखते हैं सोमवार को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इससे पहले मैं ये पूरे लेवल निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स जो हमने लास्ट फ्राइडे के लिए लगाया था और हम न्यू लेवल आज ड्रॉ करेंगे फिर से सोमवार के लिए। इसको मैं निकाल लेता हूँ रेक्टेंगल को, ये अब जाएगा, ये भी अब जाएगा। ओके ओके तो सोमवार के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स। उसका क्लोजिंग हुआ है 37,752 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। ये है 5 मिनट का चार्ट और मैं लगा लेता हूँ उसको 50 मिनट के चार्ट में ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी होगा। ओके 752 700 827 ले लेता हूँ मैं वेबसाइट में 22। ओके फ्रेंड्स, सोमवार को अगर वो 37,825 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड के अंदर 37,930 और दूसरा टारगेट उसका अपसाइड में आ सकता है फ्रेंड्स 38,076। और डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स उसने 37,700 ब्रेक किया, मैं लेवल ले देता हूँ 690 दे देता हूँ आपको राउंड फिगर में ये वाला। अगर डाउन की साइड में 37,690 ब्रेक करता है वो तो उसका पहला तरह के डाउन की साइड में आ सकता है फ्रेंड्स 37,560 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 37,450 ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का सोमवार के लिए। मैंने लेवल आपको प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल में जुड़ना हो तो जिससे मैं लिंक दिया है उस लिंक से भी आप टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हो, वहाँ मैं आपको कभी कभी लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो ताकि आप इनकम कमा सके हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।